फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ काशीफल की खट्टी मीठी सब्जी और वो पूड़ी के साथ। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये पके हुए काशीफल सब्जी बनाएंगे हम। सब्जी जो पूड़ी पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है, खासकर ये शादी ब्याह में, हमारे यहाँ तो राजस्थान में शादी ब्याह में ये ज़रूर बनता है। तो मुझे ये बहुत पसंद है, खासकर जब इसके अंदर कच्ची कैरी डलती है ना, उसकी सब्जी मुझे बहुत पसंद आती है। तो आज हमने कच्ची कैरी तो हमारे पास नहीं थी, सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो मैंने इसके अंदर सिट्रिक एसिड यानी कि जो नींबू का साथ होता है ना, उससे हमने बनाई है ये सब्जी। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगे तो आप शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपको ये सब्जी पसंद आती है, आपको खट्टी मीठी सब्जी पसंद आती है, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कर दें, और मुझे तो ये सब्जी बहुत पसंद है, अगर आपको पसंद है जरूर कमेंट्स करें। तो देखते हैं किस तरह से बनती है ये खट्टी मीठी काशीफल की सब्जी। आज मैं बनाऊंगी काशीफल की, पके हुए काशीफल की सब्जी बनाऊंगी। इस तरह का काशीफल, ये पका हुआ काशीफल है, और इसको मैंने छील के काट लिया है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने इस तरह से पीछे से छील लिया है, छील के काट लिया है। तो ये मेरा हाफ के जी काशीफल है, और इसके अंदर में जो मसाले करूँगी, बहुत ही कम मसालों में बना रही हूँ। अदरक लहसुन का दरदरा हुआ कुटा पेस्ट, एक इसमें एक इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 कलियाँ लहसुन की दरदरा कूट लिया है, 1 हरी मिर्च और 1 प्याज, और हमें लगेगा पानी। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दिया, इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ पर ये मैंने कढ़ाई ली है, आयरन की कढ़ाई है, तो इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, क्योंकि काशीफल की सब्जी के अंदर हमें थोड़ा सा ऑयल एक्स्ट्रा लगता है, तभी ये काफ़ी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल ले लिया। इसमें डालेंगे 1 पीस हींग, 1 चम्मच सौंफ, और इसमें हम डाल देंगे लहसुन का पत्ता, छोटे कर लेंगे, इसके बाद हम डाल देंगे हींग, इसको भुनने देते हैं 1 गैस कर दी, और इसमें हम डाल देंगे प्याज, हाफ टी स्पून। ये हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, ये छोटी वाली चम्मच है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच डाली है, और यहाँ डालूंगी मैं 1 चम्मच धनिया, और अच्छे से इसको मिला देंगे। और मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा पानी और ऐड करेंगे जिससे प्याज अच्छे से घुल जाए। अब इसके अंदर हम बनाएंगे मेथी, जो मेथी हमने पहले से इसकी वीडियो डाली हुई है मेथी की, घर में किस तरह से मेथी हम बनाते हैं, तो उसकी तो ये हम डाल दें मेथी, कसूरी मेथी है, अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छा हमारा मसाला भून चुका है, और इसका तेल अलग हो गया, ये देखिए अब मसाले में से तेल अलग हो गया, मसाला अच्छे से भून चुका है। और अब इसके अंदर हम इसी स्टेज पर डाल देंगे अपनी सब्जी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये हमारे अच्छे से डाल देंगे नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें, और इसको हम ढक देंगे और गैस एकदम से स्लो कर देंगे, और धीमे धीमे आंच पे इसको हम बनने देंगे। जब तक हमारी सब्जी बनती है, हम एक बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे हम पानी, बस इतना पानी डालना है। और उसके बाद एक सिट्रिक एसिड का जो टुकड़ा आता है ना, टाटरी भी जिसको बोलते हैं, तो जो हम सब्जी बना रहे हैं ये खट्टी मीठी गुड़ की सब्जी बनाएंगे, तो इसके अंदर हम इतना सिट्रिक एसिड डाल देते हैं, तो ये ही काफ़ी है हमारे लिए, थोड़ा सा हम इसको डाल देंगे, तो ये हमारे खटास के लिए काफ़ी, थोड़ा सा हम अमचूर पाउडर डालेंगे। तो इसको अच्छे से घूम लेंगे, हमारी बनके तैयार है, और ठंड भी काफ़ी हो रही है, और मैंने सोचा क्यों ना ऐसी ठंड में बनाई जाए काशीफल की मीठी सब्जी, खट्टी मीठी सब्जी और पूड़ी। तो सब्जी हम देखते हैं कि हमारी तैयार हुई कि नहीं। गुड़ हम इतना ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे तो ज़्यादा मीठी सब्जी हो जाएगी, आप चाहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। और अब हम डाल देंगे जो इसमें सिट्रिक एसिड घोल के रखा था ना उसका पानी,
इससे हमारी सब्जी काफ़ी अच्छे से खट्टी मीठी हो जाएगी। दोनों को अच्छे से हम मिला लेंगे। जब तक गुड़ ना घुल जाए अच्छे से सब्जी में, तब तक हम इसको पकाएंगे थोड़ी सी देर के लिए। कि उसके से दो से तीन मिनट या एक हाफ टी स्पून गर्म मसाला। तो गर्म मसाला हमें काफ़ी अच्छी सब्जी बनाता है, घर का ही पिसा गर्म मसाला है। और आप चाहें तो इसके अंदर एक चम्मच अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपके पास सैट्रिक एसिड नहीं है तो आप नींबू का रस जब ये सब्जी बन जाए तब डालें, या फिर आप अमचूर पाउडर भी इसमें एक से डेढ़ चम्मच डाल सकते हैं। आप इसमें गुड़ की जगह चीनी भी डाल सकते हैं, चीनी से भी काफ़ी अच्छा बनता है। लेकिन जो असली टेस्ट आता है ना काशी फल की खट्टी मीठी सब्जी का, जो राजस्थानी काशी फल की सब्जी होती है खट्टी मीठी, उसका लुक इसी तरह से आता है। ये हमारी सब्जी बनकर तैयार है, हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। अब हम ये देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। ऊपर से हम इसमें ग्रीन अनियंस के लीव्स डाल देंगे। आप चाहें तो धनिया पत्ती भी इसमें डाल सकते हैं। हम पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा ले लिया अपने परिवार के लिए जितना मैं बनाती हूँ। और इसमें डाल देंगे नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें। और इसमें हम डालेंगे अजवाइन, अजवाइन हम लेंगे एक चम्मच के करीब। और इस तरह से हम इसको क्रश कर लेंगे। अजवाइन भी हम डाल दी है। अब हम इसको मिला लेंगे और आटा लगाएंगे हल्का निवाया पानी से। तो यहाँ पर मैंने हल्का निवाया पानी ले लिया और इसको मैं डालते हुए इस तरह से थोड़ा सा पानी लेकर डालते हुए आप देख सकते हैं इस तरह से मैं जब ऊपर आ जाए तो पलट देना। ये आप चाहें तो इसे वाइट भी निकाल सकते हैं पूरी को। मुझे लाल पूरी पसंद है, इसलिए मैं इसको बिल्कुल ब्राउन करके, पूरी मुझे पसंद है तो ब्राउन ही कलर करूँगी इसका। ये हमारी पूरी तैयार है। अब दूसरे मुझे तैयार कर लेते हैं। देखिए काशी फल की सब्जी और पूड़ी हमारी तैयार है बनके एकदम से। तो कैसी लग रही है आपको हमारी काशी फल की सब्जी और फूली फूली पूड़ियाँ? तो एक और काशी फल की सब्जी और पूड़ी के साथ भी जरा ट्राई करके देखिए। मुझे तो ये बहुत पसंद आती है, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए।